So first of all, a happy Independence Day to all of you. But are we really independent? तो खैर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा नया साउंड कर रहा होगा चैनल के ऊपर, तो अपन एक नई सीरीज शुरू करने वाले इस वीडियो से जहां अपन वीकली अपडेट्स को कवर करेंगे इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड। अब अभी के लिए मैंने ऐसा कुछ अच्छा खासा नाम नहीं सोचा, पर तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा सा नाम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज यानी कि गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो भाई 11 अगस्त को दो बड़ी मूवीज गदर 2 और ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई थी, जहां अपने ओपनिंग डे पर गदर 2 ने 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी, वहीं ओ माय गॉड 2 ने केवल 10 करोड़ की ओपनिंग ली। पर इसके बाद सबके यही अजम्पशंस थे कि ये कलेक्शंस ड्रास्टिकली चेंज होंगे, क्योंकि ओ माय गॉड 2 को गदर 2 से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे, जो कि हुआ भी। ओ माय गॉड 2 ने अपने सेकंड डे पर 15 करोड़ का कलेक्शन किया, पर वहीं गदर 2 ने भी काफी बड़ा जंप ले लिया और 44 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद थर्ड डे के दिन केवल एडवांस बुकिंग के थ्रू गदर 2 ने 27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और अभी आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो ये भी अजम्पशंस है कि आज शाम तक शायद गदर 2 55 करोड़ का सिंगल डे कलेक्ट कर सकती है आज के दिन। पर ध्यान देना, ये सब इस वजह से नहीं कि भाई गदर 2 ज्यादा अच्छी मूवी थी, बल्कि सली देओल और गदर की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसके रिव्यूज कैसे हैं, मूवी कैसी है, बस लोग देखने जा रहे हैं, मजे लेने जा रहे हैं। इसके बाद साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी जवान का न्यू सॉन्ग चलेया रिलीज हो चुका है। इस सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने गाया है, एंड ये सॉन्ग नो डाउट नॉस्टैल्जिया हिट करता है, क्योंकि बिल्कुल रेट्रो फील दे देता है भाई ये सॉन्ग, अगर आप इसके विजुअल्स को देखते हो, एंड इसके लिरिक्स माहौल बना देते हैं भाई। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली भाई सॉन्ग में SRK का चार्म और डांस स्टेप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, एंड इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भाई यहाँ नयनतारा से ज्यादा चार्मिंग अपने किंग खान लग रहे हैं। एंड साथ ही में एक और चीज जिसके लिए लोग इस सॉन्ग को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो है SRK के ऊपर हुई डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि भाई पूरे सॉन्ग में SRK को काफी यंग दिखाया गया है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि थोड़ा बहुत ऑफ फील होता है अपने को कहीं पे, पर तुम उसको इजिली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि सॉन्ग वाकई में दमदार है। इसके अलावा जवान की कॉम्पिटिटर यानी कि इस साल की एक और सबसे बड़ी मूवी इंडियन सिनेमा सालार, इस मूवी के फर्स्ट सॉन्ग को लेकर कोई अपडेट्स नहीं आई है अब तक, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स के हिसाब से इसका फर्स्ट सॉन्ग आज ही के दिन इंडिपेंडेंस डे को रिलीज किया जाने वाला था, बट फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक शायद सालार का कोई भी सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है। हाँ एक और बात, इन्होंने आज ही के दिन लास्ट ईयर सालार का पहला पोस्टर निकाला था, लेकिन इन सबके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ड्रॉप हुई आज के दिन जिसने हम सबका ध्यान खींचा, वो है फाइटर मूवी डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, स्टारिंग ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड अनिल कपूर। अब एक सॉर्ट ऑफ मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है जो कि 55 सेकंड के अराउंड का है, जो कि अपने को मूवी की वाइब दे देता है कि भाई एक्चुअली में ये मूवी किस बारे में होने वाली है। एंड देखो मूवी के स्टोरी और विजुअल्स को लेके काफी कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन विजुअल्स के जितने भी अपने को शॉट्स देखने को मिलते हैं इस मोशन पोस्टर के अंदर, दिखने में बहुत कूल लग रहे हैं भाई। एंड इसके अलावा अपने को इस मोशन पोस्टर के अंदर यूज हुए बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात करनी ही पड़ेगी। इस मोशन पोस्टर का बैकग्राउंड स्कोर लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब सुन के तुम पम्प्ड अप हो जाते हो और भाई हाइप बना देता है तुमको मूवी को लेके। एंड कहा यह जा रहा है कि ये मूवी इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होने वाली है, जस्ट टॉम क्रूज की टॉप गन सीरीज जैसी। बट हाँ मूवी के VFX YRF वाले कर रहे हैं, जिनका लास्ट वर्क हमें पठान में देखने को मिला था, तो भाई अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर लो, क्योंकि पठान के अंदर का जो VFX है वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं था। एंड एज एन एरियल एक्शन मूवी इसका VFX बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और अगर सिद्धार्थ आनंद ने इसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो कर ही ले तो बेहतर है, तो दिस कुड बी द नेक्स्ट टॉप गन मूवी फ्रॉम इंडिया। क्योंकि याद है ना जब ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद ने लास्ट टाइम कोलैब किया था तो क्या बवाल मचा था, मैं वॉर की बात कर रहा हूँ वैसे। और इसके अलावा अगर अपन सलमान भाई की नेक्स्ट मूवी टाइगर 3 से रिलेटेड कुछ बात कर ले, तो भाई टाइगर 3 के प्रमोशंस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि भाई कल या परसों के दिन अपने को टाइगर 3 का एक पोस्टर देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ एक छोटा सा टीजर या फिर ग्लिम्स टाइप का अपने को देखने को मिल सकता है 7 तारीख को जवान मूवी के साथ, जहां थिएटर में जवान मूवी के साथ इसको अटैच करके हम सबको दिखा जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद शायद यूट्यूब पे भी डाल दिया जाए, जिसके बाद इस मूवी के सॉन्ग्स रिलीज किए जाएंगे, और अक्टूबर के एंड आते आते मोस्ट प्रोबेबली अपने को इसका एक ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। यानी भाईजान अप्रोक्स 2 महीने तक मूवी की हाइप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाले हैं, और भाई की एक और शर्टलेस पिक पोस्ट हो जाए इंस्टाग्राम पे तो मजा ही आ जाएगा कसम से। तो यही थे आज के वीक के कुछ अपडेट्स। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये भी बता देना, और ऐसे कुछ अच्छी खासी रूमर्स और न्यूज पता चले इस वीडियो के थ्रू तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।